सुनो, भगवान के कलश करने के लिए इसका मतलब जिसके पास में ज्यादा पैसे होंगे वही व्यक्ति कलश कर पाएगा, उसी को अधिकार है प्रथम कलश करने का। क्या यदि आपको ऐसा कोई नियम बनाना है तो यह नहीं किया जा सकता है कि जो व्यक्ति ज्यादा उत्कृष्ट नियम लेगा वो पहले अभिषेक करेगा? क्या जो पहले रात्रि भोजन त्याग करेगा वो पहले अभिषेक करेगा? जो बाजार का खाना त्याग करेगा, जो अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करेगा, जो हरी सब्जी का त्याग करेगा, जो ऐसा करेगा, जो जो भी बात हो सकती है बोलो, बोली लगाओ। तुम कितने दिन का त्याग करते हो? किसान, मैं 3 दिन का त्याग करता हूं, मैं 5 दिन का करता हूं, मैं 1 महीने का करता हूं। बोलो किसको चांस मिलेगा? समझ में आ रही है बात? सभी जगहों पर पैसा इकट्ठा करना ही मूल प्रयोजन रह गया है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना। धर्म के नाम पर ये परंपराएं मत चलाओ, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये धर्म सिर्फ पैसे वालों का धर्म बनकर के रह जाएगा।